अगली खबर अब झज्जर से है। झज्जर में एसपी कार्यालय से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर बदमाशों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। घटना की एक तरफ एसपी कार्यालय तो दूसरी तरफ अक्सर पुलिस की नाकेबंदी रहती है। इसके बावजूद आरोपी इस वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। गोली लगने से इस युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सोनू झज्जर सब्जी मंडी के सामने मनी ट्रांसफर का काम करता था। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी है। कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि एक जो अनाज मंडी के सामने कुछ दुकानें हैं वहाँ पे एक आदमी को गोली मार दी है किसी अननोन आदमी ने। तो इसी के संबंध में जो इसकी जिसकी गोली लगी है सोनू नाम का लड़का है, ग्वालिसन गांव का रहने वाला, और यहाँ पे उसका मनी ट्रांसफर इस तरह का काम था। तो मौके पे चश्मदीदों में जो कुछ लोगों ने बताया कि अचानक से एक फायर हुआ है और एक दो फायर होने के बाद में कुछ लड़के भागते दिखाई दिए और जो घायल था उसको तुरंत हॉस्पिटल में पड़ोस के लोग तुरंत 5-7 मिनट में पुलिस भी पहुँच गई थी। उन्होंने हॉस्पिटल में ले जाया। हॉस्पिटल में आके उनको जो गोली लगी है वो दिल के पास लगी है, उसकी पंक्चर की वजह से उसकी मौत हो गई। ये हमें जो लग रहा है रंजिशन का कोई मामला हुआ है जो लड़के को, क्योंकि जिसके ऊपर वार किया है तुरंत एक ही आदमी के ऊपर। भिवानी में सरोवर योजना के लिए खुदाई किए गए खाड़ी तालाब में जमा गंदे पानी में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। इस घटना के समय तीनों लड़के अपने अन्य साथी बच्चों के साथ तालाब के किनारे बनी इस पगडंडी पर खेल रहे थे। तालाब में पानी बहुत कम था, बच्चे तालाब में गिर गए और इसमें बने दलदल में फंसने की वजह से उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से पानी में डूबे बच्चों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर डीएसपी लोहारू और एसडीएम सिवानी मौके पर पहुंचे और घटना के कारणों की जांच की। इस दौरान वहल थाने के पास शव रखकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। वहीं कृषि मंत्री ने भी सरकार की तरफ से हर बच्चे के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। सूचना मिली थी 3 बच्चे एक जो जोहड़ जो निर्माणाधीन है गांव का गंदा पानी उसमें आता है उसके अंदर डूब गए हैं, जिसमें सचिन, कपिल और लखन, ये तीनों बच्चे करीब 9-10 साल के हैं। तो तुरंत इनको जाकर के मौका पर पहुंचकर मैंने अपनी टीम के साथ जोहड़ से निकलवाया और पोस्टमार्टम कराने के लिए लोहारू भेज कर पोस्टमार्टम कराने के बाद डेड बॉडी वारसान को सौंप दी। जींद में खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाला निडानी गांव पेयजल संकट से जूझ रहा है। निडानी को खेल गांव के नाम से भी जाना जाता है, जहां से कई बड़े खिलाड़ी निकले हैं। गांव में पीने के पानी के लिए सिर्फ एक हैंडपंप है, जहां पानी भरने के लिए लंबी कतारें रहती हैं। निडानी गाँव में आज भी महिलाएं सर पर पानी के मटके ढोने को मजबूर हैं। यहाँ के लोगों के मुताबिक पीने के पानी की बड़ी किल्लत है और प्रशासन भी उनकी गुहार नहीं सुन रहा है। पानी का समस्या हो रहा है गाँव में। क्या समस्या है? पानी आए ने जी बहुत दूर तक लिया पानी तक कभी खा रहा पानी है नून वर्गा दिन रात सर पर भंडारण था हमारे कभी डांगर ना मनस ने दिशाए ना नानका ना पीण का तो अपने दिन रात मंडे रहते पानी। तो कितने किलोमीटर पानी लेना आता पड़ता? पानी किलोमीटर का भी रहनी हम 30-40 किलो पानी लेना हुआ। अच्छा, वाटर सप्लाई का पानी नहीं आ रहा आपके गाँव में? ना तो नहीं आ रहा, नलके से ले रहे हो पानी? हाँ, इस पीने का ही ले जाए घर नून वर्गा है वो समरसी ला रही है। तो सारी नहाने धोने की भी समस्या आई, अपने तो का पानी नहीं मिलता ना पीने का ना नहाने धोने दिक्कत ज़्यादा आई। वो सारे सारी तो वारी सारी काम पता है कि पानी देना आ हमें। अच्छा। सारा दिन हंडा दुखी होते लोगों के ठंडे इसे तो आवा ने कनखरिया गए उनका तो लिया एक एक नहाने धोने कपड़े धोने जब काम चलावा।